हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 11 मेजरमेंट ऑफ वेट को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं वेट इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। जब हम वेट को मेजर करते हैं उन्हें हम किलोग्राम में और ग्राम और किलोग्राम में करते हैं, बट यूनिट लाइक है सेंटीग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, आर यूज फॉर ज्वेलरीज इन वेटिंग। अब हम ज्वेलरी को जैसे सोने चांदी को वेट करने के लिए किस किस का यूज़ करते हैं, सेंटीग्राम का और मिलीग्राम का। ठीक है, ज्वेलर्स एंड ऑर्नामेंट्स जो यूज़ करते हैं वो इन चीज़ का करते हैं। आ सेंटीग्राम इज डोनेटेड बाय सीजी, सेंटीग्राम को सीजी से डोनेट करते हैं, मिलीग्राम को एमजी से। इन साइंटिफिक लेबोरेशन आल्सो दिस स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ मास एंड आर यूज। ठीक है, और दूसरे हाथ ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ में वेट इज पर्सन, हम किसी का पर्सन का वेट कर सकते हैं, वेट ऑफ बैग बैग का वजन कर सकते हैं, वीट का वजन कर सकते हैं गेहूँ का, और वेट ऑफ फ्रूट्स फल का कर सकते हैं, और बहुत सारे। किलोग्राम को हम केजी से डोनेट करते हैं और ग्राम को हम जी से डोनेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 10 मिलीग्राम इसका जो 1 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम इसका जो 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम इसका जो 1 ग्राम, और 1000 ग्राम इसका जो 1 kg, मतलब 10 mg इसका जो 1 kg, 100 cg इसका जो 1 ग्राम, 1000 mg इसका जो 1 ग्राम, और 1000 g इसका जो 1 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ कन्वर्जन हाईएस्ट टू लोअर यूनिट। अब बट छोटी से हाईएस्ट से लोअर यूनिट, मतलब बड़ी से छोटी यूनिट में जाना, फिर जाएंगे लोअर से हाईएस्ट यूनिट। जब छोटी से बड़े में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है हमारी 11.1। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इनटू ग्राम। हमें केजी में दे रखा है पहला ए वाला पार्ट, 7 kg, हमें किस में करना है, ग्राम में से। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है तो हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 7 kg कितने हो जाएंगे, 7 × 1000 इज इक्वल टू 7000 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बी और सी है बिल्कुल सेम होगा, और डी वाला देखो आप 6 kg 570 ग्राम। ठीक है, यही तो क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 6 kg कितना हो जाएगा, पहले 6 का करेंगे, 6 × 1000 ग्राम कितना हो गया, 6000 ग्राम। अब देखो 6000 ग्राम जी आ गया, 570, तो करेंगे 6000 ग्राम प्लस 570 ग्राम कितना हो गया, 6570 ग्राम आंसर आ गया। इस तरह आपके डी और ई और एफ होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू एमजी, एमजी मतलब मिलीग्राम। तो ए वाला क्वेश्चन 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 mg मिलीग्राम। सो स्टूडेंट्स, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 1000 इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। सॉरी, सेकंड देखो बी वाला पार्ट, 6 ग्राम क्या दे रहा है, 6 ग्राम निकालना है, 6, तो हम जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 6 ग्राम कितना हो गया, 6 × 1000 ग्राम कितना हो गया, 6000 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो और दिखाता हूँ आपको, अब देखो डी वाला, देखो सी वाला बिल्कुल सेम है, और डी वाला 3 ग्राम 50 mg, तो 1 ग्राम में कितना होता है, 1000, तो 3 ग्राम में कितना हो गया, 3 × 1000 कितना हो गया, 3000।
अब 3000 प्लस 50 ग्राम जी, ये तो एम जी हो गया, यहाँ पे भी एम, सॉरी स्टूडेंट, एम जी आएगा। 3000 एम जी प्लस 50 एम जी कितना हो गया, 350 एम जी, ये आ गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखो, यहाँ पे सब में एम जी आएगा, एम जी आएगा, एम जी मिलीग्राम मतलब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू ग्राम, केजी एंड ग्राम, ग्राम में सारे दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, केजी में करना है। ठीक है, तो देखो ए वाला देख लो, 9000 ग्राम, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो 9000 को क्या लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, और 1g इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, तो ये हमें 9000 दे रखा है, तो हम जब लेंगे 9000 ग्राम इज इक्वल्स टू 9000 upon 1000 kg, 1 2 3 1 2 3, 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 9 kg। एक पार्ट और देखो इसका भी स्टूडेंट, 88 kg सॉरी ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम kg, ठीक है, ये हम जानती हैं इतना। तो देखो 8800 ग्राम इज इक्वल टू कितना, 8800 upon 1000 kg, तो 1 2 1 2 0 2 0 करोगे कितना आ गया, 88 upon 10 kg। अब एक नीचे जीरो है तो एक जीरो से इधर वो लगा देंगे पॉइंट, 1 डिग्री डॉट पॉइंट लगा देंगे ऊपर 1, तो 8.8 kg आ गया। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड एमजी, सारे ही ग्राम में कन्वर्ट करने हैं, तो क्वेश्चन 3000 एमजी, तो स्टूडेंट देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 एमजी होता है, सॉरी 1 mg इज इक्वल टू होता है 1/1000 ग्राम, ठीक है, तो 3000 mg इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 upon 1000 mg, तो 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया 3 mg, 4000 mg, तो 1 mg इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, तो 4000 mg इज इक्वल टू 4000 upon 100,000 ग्राम हो गए, 1 2 3 1 2 3 कितना गया 4 ग्राम, यहाँ पे ग्राम आया स्टूडेंट्स। इस तरह से होंगे सारे क्वेश्चन ये, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।